साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, नहीं उड़ीसा की तरफ, और ये वैकेंसी उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 20,000 की बम्पर वैकेंसी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। और बिहार सरकार खासकर ये वीडियो को ध्यान से देखे, क्योंकि आप लोगों से मांग की जा रही है लगातार कि आप यहाँ पर बिहार का भी TET एग्ज़ाम लीजिए और बिहार के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए आवेदन करने का। लेकिन आपने तो पूरे देश भर का जिम्मा ले रखा है। खैर चलिए, अच्छी बात है, आप यहाँ पे आमंत्रण करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन अन्य राज्यों में बिहार के छात्रों को आखिर क्यों वहाँ से भगाया जा रहा है? इनको आवेदन करने के लिए, इस बिहार के छात्रों को आवेदन करने के लिए यहाँ का उड़ीसा TET एग्ज़ाम जो है क्लियर करना चाहिए। अब आप क्लास 1-5 के लिए आवेदन कर रहे हो या क्लास 6-8 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो है OTET यानी कि उड़ीसा TET क्लियर होना चाहिए। पर बिहार में तो ऐसा नहीं है सर। बिहार में 2017 के बाद बिहार TET तो हुआ ही नहीं है, और यहाँ पे एलिजिबल होते हैं CTET वाले छात्र। CTET यानी कि ऑल इंडिया जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे चुके रहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको दिखलाना चाहूँगा। आप हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप यहाँ से इसका एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप उड़ीसा के छात्र हैं और आपने उड़ीसा TET एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड होना चाहिए, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जाके खुद को रजिस्टर करके मिलेगा। यहाँ पे इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आपके पास आपका जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डिनोट करेगा। नाम अपना बहुत सही सही यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि नाम में गलती हुआ तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए जो कि रीएक्टिव होना चाहिए, और उसको जो अगर बंद कर रखा है तो रीएक्टिव कर लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन इस नोटिफिकेशन को पढ़ने का थोड़ा सा ज़रूरत है आप बिहार के छात्रों को भी, और ख़ासकर बिहार के सरकार को भी। तो दोस्तों ये उड़ीसा की तरफ से जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है 20,000 पदों के लिए। आप इसके लिए फॉर्म को कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को बता दूंगा। आप इसको आवेदन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि आपको अपडेट किया गया है इस वैकेंसी को आवेदन करने के लिए, जो कि 13 सितंबर से इसका लिंक एक्टिवेट किया गया है। जूनियर टीचर की ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जिसका आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट osepa.odisha.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको देख सकते हैं। और 13 सितंबर, दैट द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम इज 10th of October 2023। आपको बता दें कि 13 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जो है आपको ये आवेदन करना है। नो अदर मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन के अलावा नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लग रहा है। ओसेपा है ना, ये चूँकि ये जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे, ये जूनियर टीचर का उड़ीसा सरकार की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर ऑन द CBT एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा जो कि CBT टेस्ट होगा, इसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। द सिलेबस ऑफ द CBI एग्जामिनेशन, CBT एग्जामिनेशन अवेलेबल इन द OSHEPA वेबसाइट। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं इसका सिलेबस वगैरह भी दिया गया है। द डेट, टाइम एंड द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ CBT एग्जामिनेशन विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट का है वहाँ पे एडमिट कार्ड पे उनका सारा सेंटर वगैरह दिया रहेगा। तो फिलहाल ये जो है अपडेट दिया गया है दोस्तों इसके नोटिफिकेशन को लेकर। पर मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पे NCET के जो है गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसके माध्यम से आपको बता दें कि एडवर्टीजमेंट इस तरह से तैयार किया गया है कि यहाँ पे वो छात्र आवेदन बिल्कुल नहीं करेगा जो कि BEd अभ्यर्थी है, ठीक है। ये उड़ीसा सरकार की नोटिफिकेशन है, यहाँ पे BEd वालों को 1-5 से बाहर रखा गया है। OSHEPA ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल मास एजुकेशन डिपार्टमेंट विल पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन द वाइडली सर्कुलेटेड उड़िया एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको अपडेट किया गया है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द अदर डिटेल्स को यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि इसके रिगार्डिंग है। लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक है, आप आवेदन कर सकते हैं। 13 सितंबर से लिंक एक्टिवेट हो चुका है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिएगा,
जो भी छात्र कैटेगरी वन यानी कि क्लास वन टू फाइव के लिए आवेदन करना चाहते हैं जूनियर टीचर के इस पोस्ट के लिए, तो हायर सेकेंडरी यानी कि प्लस टू का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 10+2 आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए विद द 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि DLED जो है आपका यहाँ पर ज़रूरी है, 10+2 विद द DLED। अगर आपने हायर एजुकेशन जो है हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिया हुआ है, 45% मार्क्स है, तो 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री कोर्स जो है ये होना चाहिए। और वट एवर नेम नोन, जो भी BTC हो या DLED हो, जो भी नाम है, ये जो भी मेंशन है आप लोग के सर्टिफिकेट में, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, है ना। 45% के साथ हैं हायर सेकेंडरी में अगर, तो भी आवेदन कर सकते हैं अकॉर्डिंग विद द NCTE रूल 2002 के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, या तो फिर आपने यहाँ पे 10+2 कर रखा है और आपने BLED किया है, इट्स नॉट BEd, ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है दोस्तों, जहाँ पे आप जो हैं ये 4 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन टेस्ट होता है, इसको इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ में दी जाती है, तो जस्ट लाइक अ DLED। अब इसको चूंकि इसमें ग्रेजुएशन भी मिल जा रहा है आपको, तो वो BLED कहलाता है, नॉट BEd, है ना। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, ये 4 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। या फिर आपने हायर सेकेंडरी प्लस टू किया है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है ना, स्पेशल टीचर्स वगैरह करते हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर लिया है और आपने 2 साल का जो है DLED कोर्स कर रखा है, तो भी आप आवेदन कीजिए। और साथ में यहाँ पे ये तो और लगाया गया था, बट यहाँ पे साथ में जो है आपको ओडिशा TET यानी कि ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ज़रूरी है। तो बिहार सरकार ज़रा ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, है ना। इन सरकारों ने यहाँ पर CTET को यहाँ पर अगर देखा जाए तो आवेदन करने का मौका दिया है या नहीं दिया है, इट डजेंट मैटर, बट आप लोग जो है अपने BTET एग्ज़ाम को लेना ज़रूरी है, है ना। यहाँ पे हर राज्य सरकार जो है अपने राज्य के जो वहाँ पे OTT जैसे OTET हुआ है या BTET होता है या फिर MPTET होता है, तो वो हर एक सरकारें जो है अपनी ले रही है। आप लोग भी अपना BTET एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट कराइए, ये आप लोग के लिए एक सबक का है विषय यहाँ पर, चूँकि बिहार के छात्र तो यहाँ पर आके आवेदन अब नहीं कर रहा है। कैंडिडेट मस्ट हैव ओडिया एज एल द मिल अप टू द क्लास 10th, उनको जो है ओडिया पढ़ा होना चाहिए। बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं लिखती है कि आपको एज ए लैंग्वेज यहाँ पर जो है भाषा में एक भोजपुरी या मैथिली या फिर मगही आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलिए वो आप नहीं कर रहे हैं बिहार सरकार, अच्छी बात है, है ना, नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम बिहार में छात्रों का बिहार TET एग्ज़ाम लेकर बिहार के ही छात्रों को कम से कम इतना मौका तो दीजिए कि वो अपने ही राज्य में नौकरी पा सके। यहाँ पे तो वो खुद के राज्य में ही नहीं नौकरी पा रहे हैं। कैटेगरी 2 का जो अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि क्लास 6-8 का है, जो कि ग्रेजुएशन है मांगा गया, 2 साल का DLED कोर्स भी मांगा गया है और 50% मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन के साथ, तो और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपने BEd किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी छात्र ग्रेजुएशन किए हैं, BEd किए हैं, वो 1 साल वाला BEd भी किए हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र 4 साल वाला यहाँ पे BEd किए हैं, BLED जिसको कहते हैं हम लोग, 50% मार्क्स के साथ 12th में, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 50% मार्क्स के साथ जो है BAed या BSc Ed कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, 1 साल का BEd स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आपको जो है ओडिशा TET यानी कि ओडिशा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा, OTET जो है पेपर 2 का पास करना होगा। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, ये जूनियर टीचर के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं मस्ट हैव पास उर्दू, बंगाली, तेलुगु एज द केस में बी मिल अप टू द हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो आप लोग के लिए भी यहाँ पे है भाई, देख लीजिएगा, बाईलैंग्वल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग इन भाषाओं में भी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो कुछ स्पेशल यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता तो दिया है इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, पर ये पूरा डिटेल आप लोग को एक बार रीड आउट करना होगा, है ना। एज क्राइटेरिया को लेकर 18 से 38 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं उड़िया में, जो भी हैं ये लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, और आपका एज ए सब्जेक्ट 10th में उड़िया पढ़ा होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ ओडिशा सरकार के छात्रों को मिलेगी, यहाँ पर ओडिशा में राज्य में रहने वाले छात्रों को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका यहाँ पे देखिए, एक CBT एग्ज़ाम तो होगा ही,
पब्लिकेशन ऑफ द मास्टर लिस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट आपका होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, कैटेगरी वाइज जो है, आपका एक ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद जो है उसके आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग करा के आपको ज्वाइनिंग करा दीजिए कर दी जाएगी। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों, जो कि आप भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवेदन करते समय जब आप आएंगे यहाँ पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा आपका। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन होगा तो आपका पहला पार्ट है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आर यू विलिंग अप्लाई तो बोथ कैटेगरी, मतलब आप पोस्ट वन और पोस्ट टू कैट, सॉरी यहाँ पे जो क्लास वन टू सिक्स और वन टू फाइव और सिक्स टू एट के लिए आवेदन कर, दोनों के लिए करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको बतानी होगी। जूनियर टीचर क्लास, देखिए यहाँ पे पूछा गया किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना होगा बोथ के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप पहले तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपना नाम बता दीजिएगा, फ़ोन नंबर बता दीजिएगा, मोबाइल नंबर बता दीजिएगा यहाँ से, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कन्फर्म ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर लीजिएगा और आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है आप रजिस्टर हो जाएंगे और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के रीवेरीफाई कर दीजिएगा। तो इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पे आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। अब आपको जो है फिर से यहाँ पे लॉगिन होना है। देखिए मैं फिर से बता दूँ यहाँ से कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको जो है लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, यानी कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप यहां से आएंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चे को यहां डाल के लॉगिन कर लेंगे। अपना पासवर्ड अगर खो दिए हैं तो यहां पे क्लिक करके बना लीजिएगा, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और यहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके जो है अपना सब कुछ एजुकेशन डिटेल वगैरह जो जो भी हमने बताया आपको वहां से फिलअप करना होगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन यहां पे आपको दिए गए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और यहाँ से कैसे कैसे फॉर्म को भरना है ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ से अप टू डेट की गई है दोस्तों। तो आपको 10 अक्टूबर तक फॉर्म भर लेना है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म। और यहाँ पे देखिएगा तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपको दिया गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज, ईमेल आईडी, फिर लॉगिन करने लॉग आउट कर लेना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 50 KB या 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 50 KB का होना चाहिए और यहाँ पे सिग्नेचर 50 से 100 के बीच ये भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे है आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फीस चार्ज लगेगा यहाँ पे आपका। अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच आता है वेबसाइट में तो इस नंबर पर कॉल करें, बात करें, बिहार नहीं है यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाएगा। चूँकि BACV जो है सपोर्ट तो नहीं कर रही थी आप लोगों को STET का फॉर्म भरने में, अब ये यहाँ से BACV से हम लोग मांग कर रहे हैं कि STET का नहीं तो कम से कम BTET का भी आप लोग फॉर्म निकाल के दे दीजिए ताकि छात्र जो है अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो फिलहाल ये जो अपडेट है यहाँ पे, ये ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी यानी कि ओशेपा है ना प्रोग्राम के तहत निकाला गया है, जहाँ पर 1-5 और 6-8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ यहाँ पर वैकेंसी है। तो 20,000 पदों की वैकेंसी है ओडिशा सरकार की तरफ से, जिसके लिए आप छात्र आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।